नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉकडाउन अवधि में यात्रा के लिए बुक टिकट के रिफंड पर स्पष्टीकरण दे केंद्र सरकार। कोरोना वैक्सीन के लिए सीरम को मिला नोटिस, दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल पर रख सकती है रोक। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि रोजगार की लड़ाई में युवाओं का साथ देने की जरूरत। अब तेजी से बनेंगे नेशनल हाईवे, जारी किए गए 10,000 करोड़ रुपए। सीजेआई एसए बॉबडे ने निजी वजह से मुल्ला पेरियार बांध के मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग। रेलवे को कोरोना महामारी के प्रभाव से बाहर निकलने में लग सकता है 9 महीने से ज्यादा समय। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 5 साल में 100 हेक्टेयर क्षेत्र को किया जाएगा कवर। द्रमुक की केंद्र सरकार को सलाह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू ना करें। मोइली ने कहा कि मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मिलना चाहिए भारत रत्न। उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस में जबरन घुसने पर 3 गिरफ्तार, खुद को बताया पत्रकार। भारतीय रेलवे ने दक्षिण भारत से दिल्ली के बीच चलाई पहली किसान रेल, किसानों को होगा मुनाफा। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा ने अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने का किया आह्वान। लंगर और गरीबों की मदद के लिए विदेशी फंड की इजाजत, अमृतसर के संगठन को मिली मंजूरी। पुणे की यरवदा जेल से भागे कोरोना संक्रमित विचाराधीन कैदी, मचा हड़कंप। जावड़ेकर ने कहा कि आने वाला दशक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाएगा। रैपर रफ्तार का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव, खुद को किया होम क्वारंटीन। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किया कंगना रनावत का समर्थन, कहा गुंडा राज नहीं राम राज्य चाहिए। इसराइल ने भारत और चीन से की शांतिपूर्ण हल तलाशने की अपील। यूएस ओपन 2020 में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे जेरेव, ओसाका का भी अंतिम 4 में प्रवेश। रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर, ईरान के अली डेई सबसे आगे। मुक्केबाज विकास कृष्णन को मिली अमेरिका में अभ्यास करने की अनुमति, 17,50,000 रुपए भी जारी किए गए। पहली बार मास्क लगाए देखे पॉप फ्रांसिस, 6 महीने बाद शुरू किया साप्ताहिक कार्य। पाकिस्तान में टीटीपी के एकीकरण से चीन के बीआरआई पर खतरा। यूरोप में 8 में से 1 व्यक्ति का मौत का कारण बन रहा प्रदूषण। 130 ब्रिटिश सांसदों ने चीनी राजदूत को पत्र लिख उइगरों का उत्पीड़न रोकने को कहा।